नमस्कार दोस्तों, लेयर थ्री एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र जोशी आपके सामने एमपीपीएससी के लिए जो विशेष श्रृंखला हम आयोजित कर रहे हैं उसमें आज का टॉपिक विगत दो संभाग मतलब कल और परसों की कक्षा में हमने मध्य प्रदेश के चार संभागों का अध्ययन किया है, जिसमें आपका ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, रीवा संभाग और शहडोल संभाग शामिल है। मैं मित्रों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज से हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ रहे हैं वो कल और परसों के पिछले दो दिन के वीडियो देख सकते हैं ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बन सके और आप मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी करें। अनिवार्यता नहीं कि आप लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हों, अगर आप एमपीएसआई या एमपी पुलिस या व्यापम बेस्ड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी है और आप देखें, साथ के साथ कोशिश करें कि आप उसको नोट करते जाएं ताकि आपके खुद के नोट्स तैयार हो सकते हैं एमपीपीएससी के या मध्य प्रदेश के लिए, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अगले संभाग की, जो है आपका सागर संभाग। सागर संभाग में जो है वर्तमान में छः जिले आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है छः जिले कौन कौन से, डी सी पी टी एस एन, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं डी सी पी तिलक सिंह एन। तो यहाँ से डी से हो जाएगा आपका दमोह, सी से छतरपुर, पी से पन्ना, टी से टीकमगढ़, एस से सागर और एन से निवाड़ी। निवाड़ी जो है यह राज्य का नवगठित जिला है, या हम कह सकते हैं कि 52वां जिला, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है, तो निवाड़ी। अब बात करते हैं हम एक एक डिस्ट्रिक्ट पे। सबसे पहले बात करते हैं दमोह। दमोह जो है इसका प्राचीन नाम तुंडीकर है, तुंडीकर दमोह का प्राचीन नाम है, तथा दमोह जो है बाल श्रम के लिए या बाल श्रमिक के लिए प्रसिद्ध है। दमोह जिले में नोहटा स्थित है, नोहटा स्थित है, जो चंदेल शासकों की दूसरी राजधानी माना जाता है। यहाँ पर वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य भी स्थित है। इसके अलावा दमोह में जो है बातीगढ़ का किला स्थित है, बातीगढ़ का किला स्थित है, जो राज्य में पर्शियन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। दमोह जिले में जो है डायमंड सीमेंट का कारखाना भी स्थित है। अगला जिला आपका है छतरपुर। छतरपुर का प्राचीन नाम जेजाक प्रदेश है। छतरपुर जो है यहाँ पे प्रतिवर्ष जल बिहारी के मेले का आयोजन होता है, जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है। छतरपुर में धुबेला संग्रहालय या म्यूजियम स्थित है, और मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला स्थान मध्य प्रदेश में स्थित जलियांवाला बाग जो है चरण पादुका कांड इसी जिले में हुआ था। छतरपुर जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ स्थित प्रसिद्ध नगर जिसे हम खजू राहो के नाम से जानते हैं। इसी खजुराहो में 950 से 1050 के बीच चंदेल शासकों ने शासन किया,
इसके उपरांत भी चंदेल शासक रहे, पर इस समय को चंदेल शासकों का सबसे गोल्डन टाइम माना जाता है, जिस दौरान इन्होंने यहाँ पे कई मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्हीं कई मंदिरों के कारण खजुराहो मध्य प्रदेश का पहला स्थल बना जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। खजुराहो में सबसे महत्वपूर्ण है आपका विश्वनाथ का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, फिर आता आपका चित्रगुप्त का मंदिर और अन्य कई प्रसिद्ध मंदिर यहाँ शामिल हैं। खजुराहो में ही प्रतिवर्ष नृत्य समारोह का आयोजन होता है, समारोह का आयोजन होता है, तथा यह राज्य का पहला ऐसा स्थल है जहाँ से सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई थी। वर्तमान में राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से एक खजुराहो में स्थित है। अगला जिला आता है आपका पन्ना जिला। पन्ना जिला राज्य सरकार के द्वारा आंवला जिला घोषित किया गया है, और पन्ना जिले में जो है सबसे महत्वपूर्ण है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जिसे अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व या जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसे का संरक्षण किया जा रहा है, और पन्ना जिले में ही अजयगढ़ स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। अजयगढ़ में ही प्रसिद्ध किला है, जिसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। पन्ना जिला जो है यहाँ पर पन्ना ट्री हाउस और पांडव जलप्रपात तथा दोधन बांध स्थित है। इस दोधन बांध के कारण ही भारत की पहली परियोजना का है या राज्य की पहली परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना को जोड़ा गया है। पन्ना जिले में हम ये कह सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक, और राज्य का तो प्रथम ही सही, भारत का सर्वाधिक हीरा उत्पादन करने वाला जिला है। यहाँ पर हीरे की प्रसिद्ध खदान हिनोता स्थित है, और यहाँ से हीरा निकालने का कार्य जो किया जा रहा है वो NMDC के द्वारा किया जा रहा है। पन्ना जिला इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर कई प्राचीनतम अवशेष एवं अनेकों खनिज प्राप्त होते हैं। अगला जिला आता है आपका टीकमगढ़। टीकमगढ़ राज्य का वह जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, तथा यहाँ पर जिले में आपका प्रसिद्ध हरदोल स्थित है, जो मनोती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। टीकमगढ़ से ही वर्ष 2018 में निवाड़ी जिला अलग किया गया था। अगला जिला आता आपका निवाड़ी। निवाड़ी जो है यह जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला माना जाता है, किंतु वर्ष 2011 की जनसंख्या को ध्यान रखते हुए या क्षेत्रफल को आधार मानते हुए
मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से हरदा है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला दतिया है। यहाँ पर वर्तमान में जब मैं आपको राज्य स्तरीय करंट की क्लास लूँगा उस समय आपको बताऊँगा कि वर्तमान स्थिति में कौन से ज़िले बड़े हैं छोटे हैं, पर अभी जो आधार है वो 2011 की जनसंख्या है। निवाड़ी में ही ओरछा आता है, यह ओरछा पहले आपका टीकमगढ़ में आता था और वर्तमान में निवाड़ी में आता है। ओरछा में वीर सिंह बुंदेला द्वारा ओरछा के किले की स्थापना की गई थी तथा यहाँ पर जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। ये वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर दोनों परस्पर मित्र थे, इसलिए इन्होंने अपने मित्र के नाम से जहांगीर महल बनवाया था। ओरछा में जो है आपका रामायण कला संग्रहालय एवं राजा राम का मंदिर और लक्ष्मण मंदिर स्थित है। ओरछा में ही या ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है और ओरछा के ही प्रसिद्ध कवि केशव दास थे, जिन्हें वर्तमान में कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जानते हैं। कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाना जाता है। अगला और अंतिम जिला है आपका सागर। सागर जिला या सागर को स्टील कॉम्प्लेक्स के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और यहाँ पर जो है महार रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है। सागर जिले में जो है आपका राज्य का पहला विश्वविद्यालय, जिसको हम हरि सिंह के नाम से जानते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है, जिसे केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। सागर में ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्थित है तथा पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है। सागर जिले में सबसे महत्वपूर्ण है एरण अभिलेख। इस एरण अभिलेख का निर्माण भानुगुप्त ने करवाया था और यहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब भारत में पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। इसके बाद आता है आपके सागर जिले में लाखा बंजारा झील स्थित है तथा सागर जो है इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। सागर जिले में प्रसिद्ध राहतगढ़ का किला है तथा यहाँ पर प्रतिवर्ष धामोनी उर्स का आयोजन किया जाता है। सागर जिले में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई जो बीना में स्थित है, बीना में यहाँ पर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी स्थित है, जिसकी स्थापना ओमान के सहयोग से की गई है और यह सागर जिले के बीना में आती है। बीना तहसील के गांव का नाम है आगासोद। इसके अतिरिक्त सागर जिले में कई औद्योगिक इकाइयां हैं और यहां पे वर्ष 2008-09 में
राज्य का नवगठित मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में सागर संभाग ही मात्र है, इससे आने वाले वीडियो को जरूर देखें। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको कि दो संभाग या तीन संभाग की जानकारी दे सकूं, पर एटलीस्ट आज जिले हमारे पास ज़्यादा थे इसलिए हमने केवल एक ही संभाग पढ़ा। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाना है या नहीं उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।